सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में सॉलिड ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 और ये नाइन्थ क्लास का सॉलिड ज्योमेट्री का लास्ट प्रश्न है। तो यह है, एक समषट्भुज शुंडाकार अपने आधार पर खड़ी है, इसकी भुजा XY रेखा के साथ समानांतर है, उसका सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर और शुंडाकार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने इसमें XY रेखा हम लेते हैं, हम सबसे पहले XY रेखा ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं ये हमारी है XY रेखा है, दो पॉइंट है। और हमने क्या करना है, इसका सेंटर लेना है और सेंटर में हमने 2 सेंटीमीटर लगभग हम सेंटर ले लेते हैं, हमने 2 सेंटीमीटर लेना है इसमें बीच में इसके, तो ये हमारा लगभग सेंटर है। तो यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर की भुजा लेनी है, यहाँ देख सकते हैं ये हमारा 2 सेंटीमीटर है और इसका हम नाम दे देते हैं, अभी तो यहाँ नाम नहीं आएगा क्योंकि हमने इससे नीचे को जो है वो यहाँ पे अभी डॉटी लगाने हैं 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस तरह से यहाँ देख सकते हैं इसको मिला लेते हैं, ये बिल्कुल 2 सेंटीमीटर है, इस तरह से मिला लेंगे। इसका नाम हम दे देते हैं ए और एफ। अब हमने क्या करना है, इसके हमने कोण निकालने हैं और एंगल जो है वो मैंने पहले इसके बताया है, प्रश्न नंबर 7 मैंने बनाया था, वो भी आपका षटभुज का था और प्रश्न नंबर 11। तो इसमें मैं आपको एंगल नहीं बता रहा हूँ, इसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का आंतरिक होता है, कितने डिग्री का बाह्य होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ चुपचाप एंगल बना रहा हूँ। आपने क्या करना है, यदि आपको इसके एंगल निकालने नहीं आते हैं तो आपने पिछली वीडियो अपनी देखनी है और उनमें आपने देखना है कि इसका एंगल हमने कितने डिग्री का बनाया था। मैं प्रश्न नंबर आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्न नंबर आपका है 7 और प्रश्न नंबर आपका है 11, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और वो प्रश्न उसमें जो है वो षटभुज है, वो षटभुज की प्रश्न है और उसमें मैंने जो है बताया है कि षटभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है, षटभुज का बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है, तो वो मैंने आपको बता रखा है। और यदि आपको पता है कि षटभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि षटभुज का एक कोण इतने डिग्री का होता है। तो ये मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा कि आप मुझे बताएं कि षटभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे भुजा 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी हम भुजा ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर और यहाँ से मैं फिर एंगल ले रहा हूँ। अब ये एंगल कितना है ये आपने मुझे बताना है कि षटभुज का कोण कितने डिग्री का होता है, इस तरह से ये है आपका 2 सेंटीमीटर, ये भी हमारा है 2 सेंटीमीटर और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल अगर हमारे कोण सही है तो हमारा हर चीज सही आ जाती है, इस तरह से 2-2 सेंटीमीटर बराबर आ रहा है। और हम इन लाइनों को थोड़ा फेयर कर सकते हैं इस तरह से, और हम इसमें नाम दे सकते हैं, ये ए है, ये हमारा बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, ये हमारा डी है
ये हमारा ई है और ये एफ है। जब भी हम शुंडाकार बनाते हैं तो हमने उसके जो सेंटर है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तब तक हमारा शुंडाकार बनता ही नहीं है। तो हम इसके आमने सामने के कोण मिला लेते हैं इस तरह से। तो ये इसके जब हम कोण मिला लेंगे तो ये हमारा जो है वो सेंटर अपने आप आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं सारी भुजाएं एक बिंदु पे मिल रही है, ये पॉइंट हमारा आ गया ओ। अब हमने क्या करना है, जैसा हम अभी तक बनाते आए हैं, हमने सबसे पहले इसके प्रोजेक्शन लेने हैं एक्स वाई रेखा तक। यहाँ से हम इसके एक्स वाई रेखा तक प्रोजेक्शन ले लेंगे और प्रोजेक्शन हमेशा हमने 90 डिग्री पे लेने हैं। तो ये हमारा है बी, ये हमारा जो आ रहा है ये है सी और ए का प्रोजेक्शन है। यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ डॉटेड लगा लेते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब ये डी और एफ का प्रोजेक्शन हमारा है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है डी और एफ प्रोजेक्शन है। ये हमारा है ए, तो ये हमारा ए का प्रोजेक्शन है यहाँ पे। ई, ये ई का है। अब हमारा रह गया है ओ का प्रोजेक्शन, ये सेंटर का प्रोजेक्शन है। तो हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये आपका है ओ। अब हमने क्या करना है, ओ जो आपका है, ये जो आपकी सेंटर की लाइन है ये है 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई लेनी है। यहाँ से भुट्टे से भी ले सकते हैं और इस तरह से हम जो है सर्कल से भी 90 डिग्री पे यहाँ पे रेखा ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो हमारी रेखा आनी है बिल्कुल हमारी डॉटेड रेखा आनी है इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं। नहीं तो आप चाहो तो फुट्टे से भी नाप सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर है या नहीं है। तो ये बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है। और इसमें जैसे ये आपका ए है और ये आपका एफ है, तो ये डॉटेड आने थे, बट इसमें सी और डी बिल्कुल इसके समानांतर है। इसकी सारी जो भुजाएं हैं वो डार्क आएगी। तो ये हमारा है ओ डब्ल्यू टी के साथ है, तो हम इसको डार्क की सारी लाइनें इसमें लगा देंगे इस तरह से, ये हम देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा प्रश्न भी बन के तैयार हो गया है। और आपका जो 9th क्लास का सिलेबस है ज्योमेट्री का टोटली अब बन चुका है, तैयार हो चुका है, क्योंकि आपको लाइन एंगल ट्रेंगल क्वाड्रिलेटर और सर्क वो आपके सॉलिड ज्योमेट्री, ये बिल्कुल आपका सब सिलेबस आपका बिल्कुल पूरा हो चुका है। आपकी सिर्फ स्केलें रहती है अब, स्केल नंबर 9 से लेकर के 15 तक, वो मैं जल्दी ही अगली वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। और आपका ज्योमेट्रिकल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट, अब टोटली कंप्लीट हो चुका है। ये आपका प्रश्न नंबर 15 था और ये आपका लास्ट प्रश्न था।